NBN नेशनल ब्रेकिंग न्यूज सच्चाई का साथी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या मिल गए भगवान राम के वंशज, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और इससे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर के आने वाली घंटी को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के साथ ही राजशाही भी खत्म हो गई। इसके बाद भी कई राज परिवार ऐसे रहे जो आज भी उसी शान और शौकत के लिए जाने जाते हैं। लोग आज भी उन्हें अपना राजा मानते हैं। ऐसा ही है जयपुर राजघराना। बता दें कि एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जयपुर की महारानी पद्मिनी देवी ने बताया था कि वे राम के वंशज हैं। इस इंटरव्यू में पद्मिनी ने बताया था कि उनका परिवार राम के बेटे कुश के परिवार के वंशज हैं। उनके पति और जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराजा मानसिंह ने 3 शादियां की थी। पहली शादी 1924 में 12 साल की उम्र में जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह की बहन मरुधर कंवर से हुई थी। मानसिंह की दूसरी शादी उनकी पहली पत्नी की भतीजी किशोर कंवर से 1932 में हुई। इसके बाद 1940 में उन्होंने गायत्री देवी से तीसरी शादी की। महाराजा सवाई मानसिंह और उनकी पहली पत्नी मरुधर कंवर के बेटे भवानी सिंह की शादी पद्मिनी देवी से हुई थी। उनकी इकलौती बेटी हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी की शादी नरेंद्र सिंह से हुई। उनके दो बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह हैं और बेटी हैं गौरवी। दिया वर्तमान में सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक हैं। पद मनाब सिंह 12 साल की उम्र में जयपुर रियासत संभालने लगे तो दूसरे बेटे लक्ष्यराज सिंह ने महज 9 साल में यह जिम्मेदारी संभाली। महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने 2002 में अपनी बेट दिया कुमारी के बेटों को गोद लिया था। भवानी सिंह के निधन के बाद 2011 में उनके वारिस के तौर पर पद्मनाभ सिंह का राजतिलक हुआ था और छोटे बेटे लक्ष्यराज 2013 में गद्दी पर बैठे। हालांकि देश में रजवाड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, पर अभी भी राजघरानों में अब भी परंपरा में शामिल राजतिलक की रस्म कर राज्य का वारिसाना हक सिंबॉलिक तौर पर ट्रांसफर किया जाता है। गायत्री देवी के बेटे जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी प्रियनंदना रंगसित से शादी की थी। देवराज और लालित्या उन्हीं की संतान है। आगे चलकर जगत सिंह और प्रियनंदना के रिश्ते में खटास आ गई और दोनों अलग हो गए। राजकुमारी प्रियनंदना अपने बेटे देव राज और बेटी लालित्या को लेकर थाईलैंड लौट गई। जगत सिंह की 1997 में मौत हो गई। महारानी पद्मिनी देवी अक्सर शहर में होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचती हैं। वहीं उनकी बेटी दिया का मारी सवाई माधोपुर से एमएलए हैं। वे अक्सर राजस्थान में होने वाले कई इवेंट्स में दिखती हैं। इसके साथ दिया कुमारी के बेटे और जयपुर के राजा पद्मनाभ सिंह इंडिया की पोलो टीम के प्लेयर हैं। ये परिवार जयपुर में होने वाली रॉयल पार्टियों में अक्सर देखा जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। आप अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एनबीएन वाले सर्कल पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है और दिखाए गए अनदर तीनों वीडियो में से कोई भी देखे, यह बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।